अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू साकी डिज़ाइन स्टूडियो और मैं हूं आपका दोस्त अहमद साकी। हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फेसबुक के लिए पोस्ट कैसे डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी हैं तो उसके अंदर माइनस बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको ये बताना लाजमी है कि आप फ्यूचर में जो पोस्ट डिज़ाइन करेंगे तो वो उनके अंदर वो मिस्टेक्स ना हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि बाज़ुकात ऐसी भी पोस्ट मैंने देखी हैं जिन पे कलर स्कीम भी बड़ा इशू होता है कि कलर स्कीम की उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि एक तो फॉन्ट सिलेक्शन और कलर स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है पोस्ट के अंदर। क्योंकि एक तो पोस्ट के अंदर फॉन्ट्स बहुत कम होते हैं, मतलब आप टेक्स्ट बहुत ही कम यूज़ करते हैं, 5-10% आपका टेक्स्ट होता है। उसके बाद जो ज़्यादा चीज़ होती है वो होती है आपका कलर स्कीम, कि आपका बैकग्राउंड कलर कौन सा है, आपका टेक्स्ट के हवाले से जो कलर कौन सा है या आपके जो इमेज है उसका कलर कौन सा है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको एक नज़र से देखनी होती हैं पोस्ट के हवाले से, तब जाके आपकी वो पोस्ट बन पाती है जो आप सोचते हैं जिस पोस्ट के लिए, या आप जो आइडिया लगाते हैं, या आप जो इंस्पायरेशन लेते हैं दूसरी वेबसाइट से कि यार मैंने जो पोस्ट देखी है मैं अपनी पोस्ट भी इस तरह ही बनाऊँ, मतलब उस जैसी ना बनाऊँ, जस्ट फॉर आइडिया मैं वहाँ से लूँ और फिर मैं अपनी पोस्ट ऐसी डिज़ाइन करूँ, वो कैसे हो सकता है। तो आइए चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन। है गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यार फेसबुक पोस्ट के लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने एडोबी इलस्ट्रेटर खोल देना है आपका, जो भी आपके पास वर्जन है। मैं जो यूज़ करता हूँ वो CC 2020 है। आपके पास जो भी वर्जन है, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो किसी भी वर्जन में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर इसके लिए किसी भी स्पेसिफिक वर्जन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है न्यू फाइल क्रिएट। न्यू फाइल का अगर आपके पास ये वाला डैशबोर्ड नज़र ना आए तो आपने सिंपली ऊपर जाना है, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर ही ऊपर आ जाएगा आपका कंट्रोल N फॉर न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैं नीचे से भी ओपन कर सकता हूँ मगर आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनके हिसाब आपके पास बहुत पुराना वर्जन है CC 2015, 14 या 17 का, तो उसके लिए वो लाजमी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट करनी है साइज़, जो कि मैंने ऑलरेडी ये साइज़ ओपन कर रखी है, ये देख सकते हैं 1000x1000 पिक्सल्स कस्टम साइज़ है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं साइज़ सिलेक्ट करूँगा, विड्थ मेरी 1000x1000 होगी और हाइट भी मेरी सेम ही होगी। हम यहाँ लिखेंगे फेसबुक पोस्ट, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना, सिंपली आपने करना ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे इलस्ट्रेटर तो ये आपका डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से मैं जो बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो आपने कलर स्कीम के हवाले से और फॉन्ट सिलेक्शन के हवाले से आपने अपना माइंड सेट कर देना है एक दफ़ा कि मैंने जो अपनी पोस्ट के लिए कलर कौन से इस्तेमाल करने हैं, फॉन्ट कौन से इस्तेमाल करने हैं, ठीक है जी। ये फूड के लिए वो मैं फूड इस्तेमाल करूँगा, फूड के लिए मैं अपनी पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए। गाइज, उसके बाद मैंने अपने जो फूड की जो ये प्लेट आपको नज़र आ रही है, ये फूड की प्लेट है, सिंपल जो मैंने फूड के हवाले से पोस्ट बनानी है। तो आप अपने हवाले से जो भी आपका फूड है या फास्ट फूड है या आपका रेस्टोरेंट है या आपका ढाबा है या आपका होटल है, जो कुछ भी है उसके लिए अगर आप पोस्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। उसके अलावा जो चीज़ें फ़र्ज़ करें आप फ्रीलांसिंग करते हैं उसके लिए पोस्ट बना रहे हैं तो भी ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। आपने क्या करना है, मैं सिंपली इस आपको पूरा शेप के अंदर ही हर चीज़ में आपको बना के दिखाऊंगा कि आपको किसी भी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है जी। आपने सिंपली सर्किल लगाना है और उसके बाद मैंने इसके अंदर फिल कर देना है कोई भी कलर, ठीक है जी। तो ये ग्रीन देख सकते हैं मैंने इसके अंदर फिल किया दिया, मैं दोनों को सिलेक्ट किया है और ये जो अलाइनमेंट नज़र आ रही है यहाँ से भी आप इसको प्ले कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको उसको सेंटर और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं तो आपको ये बताएगा, ठीक है जी। आप ये देख सकते हैं मैंने इसको कर दिया है सेंटर, बिल्कुल सेंटर हो गया है, ठीक है जी।
थोड़ी सी इसकी साइज़ कम कर देता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा साइज़ बड़ी हो गई थी, और पोस्ट के हवाले से ये थोड़ा सा छोटा भी होना चाहिए। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको ना प्ले करूँगा। इसके साथ ही मैंने कॉपी किया हुआ है, इसका सेम ही मैंने उठाया हुआ है यहाँ पर, और इसकी साइज़ मैं थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। ये मैं आपको एक नॉर्मल वे बता रहा हूँ, जो कि एक शेप को प्ले करके एक नया आइडिया क्रिएट करने का। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप गोल्डन रेशियो के थ्रू भी अपनी पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें भी इतनी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, ये काफ़ी बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए और अंडरस्टैंडिंग भी हो एक चीज़ के हवाले से। ठीक है जी, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे जो इसकी चाहिए वो बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, तो ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन तीनों को यहाँ पे करना है कट। कट इसीलिए कि मुझे सिर्फ वो वाला हिस्सा चाहिए जो नज़र आ रहा है पोस्ट के हवाले से। मैं एक तो इसको सिलेक्ट कर दूंगा, एक कॉपी हमेशा याद रखिएगा कि जो भी शेप आप बना रहे हैं उसकी एक कॉपी ज़रूर बना लीजिएगा कि आपको फ्यूचर में काम आएगी। ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है, आपने सिलेक्ट करना है इन दोनों को, इन तीनों को सिलेक्ट करना है। और देखिए ये बीच में जो ये शो कर रहा है ना कि ये लाइंस वगैरह हैं, ये डिवाइड नहीं है, हम इन चीज़ों को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड के लिए यहाँ पाथ फाइंडर का ऑप्शन है, अगर ये आपको नज़र ना आए तो आप विंडो में जाइएगा, विंडो में लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक नज़र आएगा शिफ्ट कंट्रोल F9 पाथ फाइंडर का शॉर्टकट कीज़ है। ठीक है जी, मैंने इसको अभी गायब कर दिया है, अब वापस लेकर आता हूँ इस चीज़ के अंदर। सो मैं इसको डिवाइड करता हूँ ताकि आपको एक चीज़ का पता हो जाए और आप आराम से डिवाइड भी इस चीज़ को कर सकते हैं। जब आप चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो ग्रुप होती है, उसको आपने क्या करना होता है, ग्रुप तोड़ना होता है या ग्रुप को अनग्रुप करना होता है। ठीक है जी, अब ये देखें मैंने इन चीज़ों को अनग्रुप कर दिया है। अब ये जो थोड़ा सा कट नज़र आ रहे हैं ना आपको, अब जब इसको हम बड़ा करेंगे तो वो कट फिल हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, ताकि एक चीज़ का आपको पता हो जाए। जब ये हम मैंने इन दोनों को बना लिया है तो मैं इसको क्या करूँगा, जब हम डिवाइड कर सकते हैं तो हम इसको जोड़ भी सकते हैं, यूनिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक यूनिट बन जाएगा। जो हमने कॉपी की थी उसको हम पेस्ट करेंगे उसके ऊपर। पेस्ट करने का तरीका कंट्रोल सी या कंट्रोल वी भी होता है। अगर वही चीज़ जो आपने कॉपी की है और वहीं पे आप प्लेस करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। एफ मतलब उसके ऊपर ही वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आप इसको शिफ्ट अल्टर के साथ और माउस कर्सर को पकड़ के इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ये इसकी भी शॉर्टकट की है। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ कि ये हमारा ऐसा जो वाइट ही हो ताकि पोस्ट के हवाले से। और ये जो मैं पोस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये इसमें मैं ज़्यादा कुछ भरूंगा नहीं, मतलब बहुत कम ही टेक्स्ट यूज़ करूँगा और बहुत कम ही इस पर। मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि आप किसी भी लिहाज से ये देखें, इसके अंदर आप अपने कंपनी का लोगो ऐड कर सकते हैं या आप इसको टैगलाइंस भी दे सकते हैं, जो कुछ आप अगर इसके अंदर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम इस पे टैक्स ऐड करेंगे, सिंपल टैक्स जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, 40-50% ऑफ, स्पेशल डिस्काउंट जो भी होता है हमारे, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए जो भी फूड के लिए होता है, जैसे कि ईद आ रही हो या फिर कोई अच्छा सा मौसम हो तो उसके लिए आप डिस्काउंट दे सकते हैं। डिस्काउंट तो आप इन दोनों को बैलेंस भी कर सकते हैं अगर वो चीज़ बड़ी हो जाए। 50% को थोड़ा बड़ा ही रहने दो ताकि लोगों का ज़्यादा फोकस जो 50% पे ही हो, तो लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि रेस्टोरेंट ने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है या कितना परसेंट वहाँ पे वो सेम टिक प्ले नहीं हो रहा, यहाँ पे प्ले हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको और भी बड़ा कर दूँ ताकि मेरा जो 50% है वो ज़्यादा ही नज़र आए मुझे, कि लोगों का ज़्यादा फोकस जो हो 50% पे ही होना चाहिए।
ताकि आराम से वो इजीली हमारे होटल पे या रेस्टोरेंट पे या कहीं भी जो भी है। मोस्ट ऑफ पोस्ट के अंदर ये ज़्यादा होता है कि होम डिलीवरी जो होता है वो ज़्यादा बाज़ुकात फ्री होता है, तो या कुछ पैसे भी चार्ज करते हैं होम डिलीवरी के लिए। तो मैं इसके अंदर होम डिलीवरी वाला ऑप्शन जो है वो फ्री वाला रख देता हूँ, ताकि लोगों का रश बढ़ जाए हमारे बिज़नेस की तरफ, या लोग अट्रैक्टिव हों हमारे बिज़नेस को लेके, या ऑर्डर ज़्यादा आए हैं हमारे बिज़नेस के हवाले से। जो कुछ भी अपने बिज़नेस के हवाले से सोचोगे उतना ज़्यादा प्ले कर सकते हो अपनी पोस्ट के लिए। तो यहाँ लिखते हैं होम डिलीवरी फ्री। मैं तो सिंपली लिख रहा हूँ, मगर आप अपनी पोस्ट के हवाले से जो आपका कंटेंट है पोस्ट का वो आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं इजीली। ठीक है जी, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने पोस्ट के अंदर ज़्यादा चीज़ें मैंने फिल नहीं की, बहुत सिंपली मैंने अपनी पोस्ट को प्ले किया है। आपका एक अंदाज़ा हो जाए आप चीज़ों का कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे पोस्ट के हवाले से। ठीक है जी, और मैं एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करूँगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है। वो भी गाइज़, मैंने वो वाला जो सीन है वो मैंने हटा दिया यहाँ से, मैंने अपना फूड का लोगो लगा दिया है, कोई भी जस्ट मैंने उठा के लगाया है। आप अपनी कंपनी का भी लोगो लगा सकते हैं, मैंने लोगो इसीलिए लगाया ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए इन केस अपने पोस्ट के हवाले से, तो आपका माइंड एकदम सेट हो जाए कि आप लेफ़्ट पे भी लगा सकते हैं, राइट पे भी लगा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइड पे लगाना चाहते हैं। ठीक है, ये डिलीवरी काफ़ी छोटा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं डिलीवरी का। और इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, ये वाला। सो ये फूड के हवाले से मैंने ऑलरेडी ट्रेस करके रखा हुआ है, सो यही चीज़ मैं यहाँ पे लगाऊँगा फूड के लिए। सो कंट्रोल एफ करेंगे तो इसके ऊपर ही आ जाएगा, तो मैं अल्टर पकड़ के इसको बड़ा करूँगा, शिफ्ट पकड़ के मैं इसको बड़ा करूँगा एक साइड से, ताकि मुझे एक बड़ा ही नज़र आए। ये अभी ऊपर आ गया है, तो हम इसको बैक साइड पर लेकर चलते हैं। और ये देखें, ये इसकी थोड़ी सी हम रेजोल्यूशन कम करेंगे तो जाके नज़र आएगा कुछ। अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है, अब ये देखो आपको मतलब कितना मज़ेदार लग रही है पोस्ट, कि इतना अट्रैक्टिव और इसके हवाले से। और मैं इसको भी ये हमेशा याद रखिएगा कि आप अगर आप फ़र्ज़ करें, अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए कर रहे हैं तो अपनी पोस्ट के जो टेक्स्ट है उसको आपने क्रिएट आउटलाइन लाजमी करना है, क्योंकि इन केस ऑफ दैट के क्लाइंट के पास ये फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं होता है तो एडोब इलस्ट्रेटर फाइल को चेंज कर देता है, फ़ॉन्ट चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर ही आपने पहले से ही आपने इसकी क्रिएट आउटलाइन कर रखी होगी ना, तो आपको इसके हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप कि ये मेरी जो सारा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और हमारे आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, क्योंकि हमारी जो वीडियोस होंगी आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको टाइम टू टाइम पहुँचती रहेंगी।